ये हम लोगों ने देखिए आप समझिए 2005 में बहाली शुरू, 2005 से लेकर 2012 तक लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। उसके बाद भी पांचवें और छठे फेज का अभियान चलाकर लगभग 1.5 लाख लोगों की भर्ती की गई। हम लोगों ने ही विज्ञापन निकाला था जिसको बाद में ही लोगों ने सिर्फ मॉडिफाई ये किया कि जो शिक्षा विभाग ने निकाला था उसको बीपीएससी ने निकाला, और जो जो हमारे एसटीटी के बच्चे हैं या डीटी के बच्चे हैं उन्हीं को कहा जा रहा है परीक्षा देने, नियोजित शिक्षक को भी कहा जा रहा है परीक्षा देने। ये नया क्या हुआ? ये तो अपने आप में घोटाला है, और घोटाला करके नीतीश कुमार जी लोगों को गुमराह करना चाहिए। कल नियुक्ति पत्र मना कर रहा है, आप जाके पूछिएगा, आप मीडिया के साथी को निमंत्रण देता हूँ, वहाँ जाके पूछिएगा कि आप पहले नियुक्ति में थे कि नहीं थे। 80% लोग कहेगा कि पहले से हम नियुक्त थे। जिस तरह पहले पुलिस वाले की भर्ती हुई 2022 के जून में और तनख्वाह मिलना शुरू हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी जब चले गए आरजेडी के साथ तो उन्होंने सितंबर में पिछले साल उनको दिखाया कि हमने नियुक्ति पत्र दिया है। उसी तरह का घोटाला, एकदम साफ मैं कह रहा हूँ, आज भी एकदम कोई काम नीतीश कुमार जी का क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ। जातीय सर्वे हुआ, ये किसी को पता नहीं है कि मुजफ्फरपुर ब्लॉक में कितनी जाति की क्या आबादी है, विकास कैसे होगा, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, जब पता ही नहीं है तो विकास कैसे होगा। जातिगत सर्वे से क्या लोगों ने समर्थन किया? क्योंकि हम अच्छे कार्य के लिए पैसा दिए। जिस कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिली, यहाँ पर मैं और राम सूरत राय जी दोनों मंत्री उस सरकार में थे, और हम लोगों ने समर्थन करके पास किया। 16 मंत्री हम थे और मात्र 12 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के था। इसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन किया कि गरीबों के कल्याण के लिए जातीय सर्वे हो, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप समझिए, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में यदि किसी तरह की चेंजिंग आप करते हैं तो आपको ओटीपी आता है। आपके जाति का सर्वे हुआ कि नहीं हुआ 80% लोग को पता ही नहीं कि हमने दस्तखत किया कि नहीं किया। तो जब 80% लोग असंतुष्ट हो, ये कौन सा जातीय सर्वे? नाबालिग के अपहरण मामले में समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर थाने की पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची और नगर थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए मोहम्मद रिजवान को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें नगर थाने पर लाया गया, जिसके बाद जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद रिजवान के एक दर्जन से अधिक समर्थक नगर थाने पर पहुंच गए। कल्याणपुर थाने के अपर थाना अध्यक्ष राजकिशोर राम ने बताया कि बीते 1 अक्टूबर को नाबालिग के अपहरण मामले में कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद वरीय पुलिस के नेतृत्व में जांच पड़ताल की गई और मुजफ्फरपुर में प्रारंभिक जांच में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब समस्तीपुर ले जाकर वहां पूछताछ की जाएगी। कल्याणपुर थाना कांड संख्या 290 में ये अपहरण का केस हुआ था, और इसमें वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा घटना को सत्य साबित करते हुए गिरफ्तारी आदेश दिए थे, जिसमें विधिवत गिरफ्तार किया गया। कब हुआ था ये केस? हुआ था 1 अक्टूबर 2023। लड़की की कितनी उम्र है? लड़की की उम्र नाबालिग है, 16 साल। क्या शुभ नाम हो गया आपका? राजकिशोर राम, अपर थाना अध्यक्ष, कल्याणपुर थाना, जिला समस्तीपुर।